मैं बहुत अच्छा लगता जब ऐसे यंग ऑडियंस आती 21-22 की बिकॉज आई रिमेंबर हाउ आई वॉज वेन आई वॉज 21 यूज टू बी सो एम्बिशियस सो अनएम्प्लॉयड ऑल्सो बट एम्बिशियस आई वुड रीड अप अबाउट सक्सेसफुल पीपल की ऋतिक को कब मिली सक्सेस 26 पे फिर तो बहुत टाइम है मैं काम करता हूँ 21 से 25 तक दारू पी लेता हूँ 25-26 तक बॉडी बना के पॉपुलर हो जाएंगे अब जब 30-20 के हो गए हैं तो भाई जो आइडल्स ही चेंज करने पड़ रहे हैं मेरे से कोई पूछता है कौन है फेवरेट एक्टर बोमन ईरानी आई थिंक हर कला उम्र मांगती है बोमन ईरानी क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग 30 तक ना आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाता है कि आपकी आगे की लाइफ कहाँ जाने वाली है 30 तक आपको एक अप्रोक्सीमेट जैसे आप यंग होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे शायद मेरा पैशन नहीं मिल पा रहा है है कि एक बार ही मेरे को मेरा पैशन मिल जाएगा तो फिर मैं उसमें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली ग्रो करता जाऊंगा काम मजा बनता जाएगा सक्सेस की सीढ़ी एक्सेलेटर बन एस्केलेटर कुछ ये सारे आपके मिसकंसेप्शन होते हैं हाँ 30 तक आते आते आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है जैसे मेरे को मालूम है अब मैं किसी भी फील्ड में चले जाऊँ सब में मुझे सेम लेवल ऑफ सक्सेस ही मिलने वाला है विच इज असिस्टेंट मैनेजर मैंने बहुत कंपनी चेंज करके देख ली सब फ्लैट हायरार्की टियर हायरार्की सब ट्राई कर लिए सब मैं असिस्टेंट मैनेजर पे ही अटक इनफैक्ट आई एम फुली कन्विंस्ड कि अगर कल को मैं खुद का स्टार्टअप भी खोलता हूं तो उसमें भी मैं फाउंडर / असिस्टेंट मैनेजर ही रहूंगा सीईओ कहीं से अलग से हायर करके लाना पड़ेगा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कभी भी ऐसा बहुत सक्सेस ओरिएंटेड रहा नहीं हूँ जैसे आपको बचपन से ही स्पॉट कर लेते हो ना आप लोगों को जैसे मेरे से कोई आकर पूछता था कि भाई अगर तेरे को पावर और पैसे के बीच में चुनना हो तो क्या चुनेगा मैं कहा मैं नए दोस्त चुनना चाहूंगा जो मेरे से ये सब चूतिया बातें ना करें तेरे पास तू कुछ ऑफर कर रहा है पावर कुछ भी पैसा है इतनी चिड़ है ना मेरे को ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से और प्लस मेरे को कभी ऐसा मेजर सक्सेस नहीं मिली है बट हमेशा उसका एक माइनर वर्जन मिला हुआ है तो उसमें मेरे को नॉर्मल सा ही लगता था जैसे कि कोई अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ बट बोर्ड में ठीक आ गया लगता है ठीक ही लग रहा है ऐसे भी क्या है किसी पे क्रश है वो नहीं डेट करी बट उनकी बेटी से मेकआउट कर लिया लगता है हाँ ठीक ही मतलब जस्ट अ माइनर वर्जन ऑफ माई गोल वॉज तो इसलिए मैं कभी इतना ज्यादा एफर्ट मारा भी नहीं बट फिर क्या हुआ मेरे आसपास सारे लोगों को ना बहुत सारे ऐसे सक्सेस मिलने लगे और फिर वो मेरे को भैंस बदतमीजी से ट्रीट करने लग गए तब फिर मेरे को समझ में अच्छा मुझे माता जी पावर भी चाहिए ताकि गुंडे से मैं पिटवाऊँ इसको और पैसे भी चाहिए ताकि घर खरीदूँ साले का मैं मैं बहुत रिवेंज ओरिएंटेड इंसान हुआ करता था बिल्कुल सारे ऐसे बिल्कुल सारे बदले नहीं याद होते कि इसने इंसल्ट करी है ये कंपनी मेरे को इंटरव्यू में रिजेक्ट करा एक दिन ये कंपनी खरीद के 1 रुपये बेच दूंगा सड़क पर मैं फुल वैसे यैंक्स लेके चलता था कि सारे सारे ग्रजेज हैं सब इंसल्ट याद है ऐसे लिस्ट बना रखी कि ये 36 दुश्मन है मेरे हर महीने एक दुश्मन से बदला लेना है 3 साल में सारे बदले पूरे हो जाएंगे एक बार ये सक्सेस है साला सबकी मार लूंगा मैं अब जब 30-20 के हो गए रियलाइज हो रहा है कि शायद उतनी सक्सेस आने ही नहीं वाली है तो लग रहा है फिर तो माफी करना पड़ेगा सबको क्या करो तुम लाइफ में नहीं बड़े बन पा रहे हो तो फिर ऐसे यू हैव टू बी द बिगर पर्सन टिकट कर जाना बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट गाय हु इज अनसक्सेसफुल एंड इज स्टिल प्लॉटिंग रिवेंज आटे की डॉल बना के पिन चुभाया जा रहा है उसके अंदर की कुछ तो हो जाए नमन को उन लोग को देखा उनके पास कुछ होता ही नहीं है पावर ही नहीं है ब्लैकमेल करने के लिए उनसे पूछो क्या कर लेगा बदुआ दे दूंगा तेरे को मैं ये कैसा थ्रेट है, है? जिसमें तुम साले थ्रेट भी आउटसोर्स कर रहे हो कोई कौन डरेगा इससे कि रुक साले दिखा तो तेरे को रुक क्या करूंगा रुक गॉड जी प्लीज आप नमन को उसकी औकात दिखा देंगे गॉड जी मेरे पे टाइम नहीं एक्चुअली मैं बहुत EMI है तो मैं आप प्लीज दिखा देना उसको थैंक मैं बहुत ही वो पता है द रीजन आई फकिंग गॉट इनटू दिस स्टैंड अप वाज मैं 2015 में एक लाफ क्लब था अरे बोलना नहीं था एक क्लब था ठीक है जहाँ पे कॉमेडी करते थे वो लोग तो मैं बस ऐसे देखने गया था तो मैं उन देखने के बाद मैं बहुत इंप्रेस हुआ था कि वाह कितनी अच्छी चीज़ है मैंने पूछा कि अगर मुझे भी यहाँ पे करना होना है तुम्हारी औकात नहीं निकलो यहाँ से मैं कहा रुक साले दिखाऊंगा मैं आऊँगा यहाँ पे
फिर अब जब थोड़ा बहुत ऑडियंस आने लगी तो मैंने उनको कॉल करा कि मेरे को क्लब बुक करना है. कह रहे सर क्लब तो बंद हो चुका है. मैं बंद हो गया क्लब? कह रहे हाँ तो कोविड से पहले ही बंद हो गया था. अरे भाई मेरे को बहुत सारा बदला लेना. ओनर है वो ओनर जिसने मेरी इंसल्ट करी. कह रहे ओनर को तो जेल हो गई. मैं ओनर को जेल हो गई है. तो मैं रोज आर्थर रोड जेल के बाहर घूमता रहता हूँ कि मैं ही करा दूं क्या बेल. बाहर तो आए कोई धक्का वक्का दूं क्या. ये समझ ही नहीं आ पा रहा है. कोई एक भी बदला पूरा नहीं हो पा रहा. पता मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं बदले नहीं हो पा रहे इन जनरल थ्योरी पढ़ लेते हैं. तो मैंने एक बुक ऑर्डर कर ली एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट पावर. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताब आ गई बेंच में. ये कैसा वो है रिवेंज जर्नी भाई. सविता आपको वार्न करते हैं कि ट्रेड द पाथ ऑफ रिवेंज वेरी केयरफुली. बहुत ध्यान से निकलना बदले की राह पे क्योंकि आप एक नहीं दो कबर खोद रहे होते हो. मुझे तो लग रहा है मेरी कुछ डिगिंग टेक्निक की गड़बड़ है जिसमें सिर्फ मेरी ही कबर गहरी हुई जा रही है. सामने वाले को ब्लू टिक मिल गया है साला. तो अब इसके चक्कर में ना मेरे को अपने सारे पुराने गोल्स जो मैंने ऐसे बनाए थे कि एक बार बदला लेंगे करें, तो वो सब कुछ रीएडजस्ट करने पड़ रहे हैं सारे गोल्स. जैसे पहले मैं सोचता था कि एक गाड़ी लेंगे. गाड़ी का ऐसा करेंगे कि जिस कलर की टी शर्ट पहनी होगी वही कलर की गाड़ी गराज से निकालेंगे. फिर बाद में हो गया कि ओ ये कर सकते हैं बस याद रखना पड़ेगा रोज ब्लू पहनना है. जैसे कार्टून में सेम ड्रेस पहनते हैं. बट फिर वो एक गाड़ी बहुत अच्छी लेंगे कि एक ब्लू कलर की होंडा सिविक ताकि सब जले. फिर होगा कि सिविक से क्या होगा एक ब्लू कलर की BMW ले लेंगे ताकि सब जले. फिर वो नहीं एक रेड कलर की फ्रारी लेंगे उसको ब्लू कलर पेंट करा देंगे ताकि किसी के पास हो भी ना और मेरे पास. अब जब समझ में आ रहा है मैं जब गाड़ी ही नहीं ले पाएंगे तो गोल ही चेंज हो गया. मेरा गोल है कि मेरे को तो बस एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट बनानी है स्पॉटिफाई पे जो मैं मेट्रो में ब्लू लाइन पे सुनता हुआ जाऊंगा. पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए ये गलत बात होती है. सारे ऐसे गोल होते थे. मेरे से कोई पूछता था 2 BHK मेरे 3 BHK मैं कहता था भाई अनलिमिटेड BHK में रहूंगा मैं. एक घर रहेगा हमेशा कंस्ट्रक्शन होता रहेगा वहां पे ऊपर बढ़ता जाएगा वो. 3 फ्लोर जिम के लिए रहेंगे. एक जिम रहेगा एक में क्रॉसफिट रहेगा एक में कुछ नहीं रहेगा. घास लगा दूंगा भागता रहूंगा बस. अब तो पूरा एक्सरसाइज रिजीम ही चेंज हो गया है. अब मैं गूगल करता हूँ हाउ टू डू ऑल एक्सरसाइजेस विद 1 dumbbell व्हाइल योर फैमिली स्लीपिंग इन द सेम रूम. इतना रिवेंज ओरिएंटेड हो गया था. मैंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई हुई थी. आई एम हैप्पी कि हैव लेट गो ऑफ दिस क्योंकि बहुत टैक्सिंग होता है कि किस किस से बदला लो क्या करो. मैं उस दिन लिस्ट देख रहा था 15वें नंबर पे कोई लिखा हुआ था मेरे को याद ही नहीं है क्या है ये. आनंद वर्षों का लिखा हुआ है ऐसे कह रहा हूँ एक ब्रोकर है सब याद है मादर साले गांड मारूं उसकी एक दिन. मैं जब भी लोगों को ये बताता हूँ कि ऐसे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए तो वो हमेशा रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं. कुछ क्या क्या रीज़न है दैट इज़ होल्डिंग यू बैक. कोई ट्रॉमा है जिसके कुछ नहीं भाई बहुत बढ़िया मम्मी पापा हैं सब कुछ बढ़िया बचपन के ऐसे सब रीज़न है. काम पे फोकस क्यों नहीं कर पाते क्योंकि दोपहर को नींद बहुत आती है क्योंकि लंच बहुत हैवी कर लेते हैं तो 2 से 7:30 तक थोड़ा फटीग सा रहता है. People try to find a silver lining in this also. Oh, so then you must be a night owl. आप रात को बहुत अच्छे से dinner भी तो heavy कर लेते हैं. खास ही होएगा काम कुछ भी. प्लस मैंने रियलाइज करा कि असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर मैनेजर वगैरह के जंप इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो ऊपर एग्जीक्यूटिव उसमें रहते हैं ना उनको स्ट्रेस प्रेशर बहुत मजा आता है. वो बातें ही ऐसे करते हैं कि ब्रो मैं तो जब तक अपनी कंफर्ट जोन में हो तो मैं बोर हो जाता हूँ. चैलेंज भी भाई मैं चट रहा हूँ मेरे को चैलेंज करो. मैं तो पहाड़ छोड़ूंगा नदी में जाऊँगा कम्फर्ट जोन. मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरी कम्फर्ट जोन में भी कोई मेरे को एक तकिया लगा के दे दे मेमोरी फोम का अच्छा सा. मुझे नहीं होना है चैलेंज. एकदम नहीं पसंद है स्ट्रेस वगैरह. पता नहीं लोगों को क्यों ऐसे कि भाई जब तक मेरे पे स्ट्रेस नहीं आता ना मेरे को मजा. मैं जब तक प्रेशर के बिना मैं परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ. मैं कार्बन हूँ प्रेशर से मैं डायमंड बन जाता हूँ. जब तुम्हें दबाएगा तो मैं शाइन करूंगा. मैं बिल्कुल नहीं हैंडल कर पाता हूँ. द बेस्ट आई रिएक्ट अंडर प्रेशर आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रेनिंग
is that I can delay crying. सालों की तपस्या के बाद मैंने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया है कि पहला आंसू बॉस के कैबिन में नहीं गिरेगा, वॉशरूम तक रोक लिया जाएगा. मेरा बॉस मुझे कह रहा था यार सुसु बच जाते हो सर, आप अपडेट ही मांगते हैं. बिल्कुल नहीं हो पाता है प्रेशर. इट हैज चेंज द वे आई लुक एट एवरीथिंग. पहले मैं इतना ऑब्सेस्ड रहता था ये जेम्स बॉन्ड की सारी मूवीज से, अब मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ भाई इसमें तो बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस नहीं यार. ये तो रात को 11 बजे के बाद भी मर्डर करा रहे हैं. उस दिन मैं कोई पिक्चर देख रहा था तो उसमें पुलिस वाला बाकी लोगों को डेडलाइन दे रहा था कि मुझे कल तक यहाँ पे किलर चाहिए. उनकी डेडलाइन सुन के मेरी गांड फट गई भाई कि ये कल तक कैसे ढूंढ के ले आएंगे यार किलर. बाल दिया एक, उसमें से कहाँ ढूंढेंगे. आई एम सो हैप्पी मैं पुलिस में नहीं हूं. अगर मैं पुलिस में तो मैं उनसे बोलता सर मौत क्या है. क्या है फिलॉसफी. आत्मा शरीर ही तो चेंज कर रही है सर. उसके लिए हम अपना सैटरडे खराब करेंगे. नहीं नहीं सर, ऐसे मंडे ढूंढेंगे किलर. प्लस मैंने देखा है जो बहुत सारा पैसा बना लेते हैं ना बहुत जल्दी, उनको फाइनेंस का इतना इनडेप्थ नॉलेज होता है. मुझे ना तो आता है, मुझे यकीन है कि मैं सीख भी नहीं पाऊंगा. यही मेरे को सबसे ज्यादा चुभता है कि जैसे मैंने कई बार ट्राई करा है. मेरा एक फ्रेंड है वो पूरे टाइम ये सब स्टॉक्स वॉक्स में इन्वेस्ट करता रहता है. मैं उसको बोला भाई समझा देगा, कह रहा एकदम सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ. जो उसका सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल ही था मैं उसी में इतना माइंड फक हो गया एक्चुअल तक. तो उसने कहा कि मान ले तेरे को एक बैट की फैक्ट्री डालनी है. मैं कहा चमकादड़ की. चमकादड़ की फैक्ट्री कैसे डालेगा भाई तू. सॉरी दोपहर का टाइम है भाई, सॉरी थोड़ा नींद आ रही है. देख तेरे को एक बैट की फैक्ट्री डालनी है बट तेरे पास बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है. तो क्या डाल रहा हूं फैक्ट्री में, सिर्फ ग्रिप है मेरे पास. ये कैसा बिजनेस है. कह रहे सुन ना शांति. मैं सॉरी सॉरी सॉरी. कह रहे देख तेरे को एक बैट की फैक्ट्री डालनी है, तेरे पास बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है और मेरे पास एक बहुत बड़ा जंगल है. भाई सुसु कर कह रहा फटाफट से. हाँ भाई तेरे पास एक बहुत बड़ा जंगल है. कह रहे हाँ तो देख मैं अपने जंगल से तेरे को लकड़ी दे देता हूँ, तू उससे बैट बना देता है ठीक है. कह रहे तो बैट बेच के प्रॉफिट रख लेता है, आधे प्रॉफिट अपने पास रखता है ठीक है. कह रहे आधे प्रॉफिट से सीड खरीद के मेरे जंगल में वापस पेड़ उगा देता है. शायद समझ गया. फिर बस ऐसे तेरे को इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स बेचने, जब तू अपना आईपीओ लिस्ट करेगा तो उसके डिविडेंड से कैपिटल एक्सपेंस मीट कर देना. इसमें जंगल क्या है और सीड क्या. ना तो मैं कुछ सीखा, अब मैं पार्टियों में जाके इररिलेवेंट और बातें कर जा रहा हूं. फिर सब कह रहे हैं तूने सुना LIC का IPO लॉन्च होगा. मैं कहा भाई जंगल कितने घने हो गए आजकल. हाँ पतले पतले पेड़ है, लकड़ी नहीं निकल पाती कुछ उससे. क्या बात कर रहा है भाई, फाइनेंस नहीं आता क्या तेरे भाई. एक तो मेरे को पहले बेसिक फाइनेंस ही नहीं समझ में आता था, इन लोगों ने क्रिप्टो और इंट्रोड्यूस कर दिया. ये क्या है भाई कि तुम बैंक में भी गरीब हो नेट पे भी गरीब हो और तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम कैसे गरीब हो. मैं इतना खुश हुआ था ना जब क्रिप्टो क्रैश करा था क्योंकि देन आई गॉट प्रिटेंड कि हमें तो शुरू से मालूम था ये फैड है भाई. क्या तुम देख नहीं पाते हो क्या भाई, तुम्हारा लिमिटेड स्कोप है क्या. मेन FD होता है ये सब फालतू होती है. इसके लिए आप उनको बोटॉक्स समझा रहे हो भाई. इतना कलेक्टिवली भी नहीं एंजॉय कर रहे हो, वो मेरे को बता रही है. यस मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप बात कर रहे हो ये गलत बात है. वो बेंच बात करें आप समझ नहीं रहे, आप ही के बारे में. अरे भाई कैसे मैं अभी तक रूल ही नहीं समझा पा रहा हूँ क्या है. क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 30 तक ना आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाता है कि आपकी आगे की लाइफ कहाँ जाने वाली है.
अरे भाई ओके ठीक है. जब बहुत ज्यादा यंग लोग आते हैं ना तो वो लोग ऑलरेडी साले खुश से आते हैं, उनको उनको कॉमेडी की वैल्यू नहीं होती है. वो ऐसे बैठे होते हैं, ब्रो बढ़िया चल रही है लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है. जब जब 30 के ऊपर वाले आते हैं उनको इसकी अहमियत होती है कि भाई बहुत जहर चल रही जिंदगी, बस रुला मत, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा भी मुस्कुरा देगा हम लोग चल जाएगा. बियर पी के भी आता है. मैडम आप कुछ मन में ना गाना वाना गाते रहो कुछ ऐसा. इट इज ओके इफ यू ट्यून आउट ऑफ द शो. ठीक है, संदेश ही आता है गालो मन में. वो 10 मिनट का गाना है. प्लीज इंटरप्ट मत करना. ठीक है, आई नो दिस इज अ साउंड्स लाइक कि हम डायलॉग है, बट वो मैं आर्टिफिशियली ऐसा बनाया है कि लग रहा है डायलॉग है, लेकिन प्लीज इंटरप्ट मत करना. ओके cool. क्या नहीं करोगे? फेल. फिर आप पीछे टाइम क्यों देखा? हाँ और सुनना था. ओके एक जोक सुना दूंगा, बट अगर लेट तो नहीं. अच्छा एक जोक सुना देता हूँ. आप लोग 18 मिनट्स लेट आया. मैडम ये सब तो ट्रिक्स हैं फूड और बेवरेज इंडस्ट्री आगे बढ़ाने के लिए. ठीक है, हमारा कुछ नहीं. लेट आए तो बंद. अरे भाई चुप यार.